आज हम ऐसी स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताई है। एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच उड़कर आया और एक महिला पर बैठ गया। महिला कॉकरोच देखकर चिल्लाने लगी, वह डर चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कांपते हुए होठों के साथ दोनों हाथों की सहायता से कॉकरोच से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उसके ग्रुप के बाकी लोग भी भयभीत हो गए। उस महिला ने किसी तरह कॉकरोच को खुद से दूर कर लिया, लेकिन वो उड़कर दूसरी महिला पर बैठ गया। अब यह ड्रामा जारी रखने की बारी दूसरी महिला की थी। उसे बचाने के लिए पास खड़ा वेटर आगे बढ़ा। तभी महिला ने कोशिश करते हुए कॉकरोच को भगाने की कोशिश की और वह सफल हुई। अब वह कॉकरोच उठकर वेटर की शर्ट पर आकर बैठ गया, लेकिन वेटर घबराने की बजाय शांत खड़ा रहा और कॉकरोच की हरकतों को अपने शर्ट पर देखते रहा। जब कॉकरोच पूरी तरह शांत हो गया तो वेटर ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। मैं कॉफ़ी पीते हुए दृश्य देख रहा था, तभी मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए। क्या वह कॉकरोच इस घटना के लिए जिम्मेदार था? यदि हाँ, तो वह वेटर परेशान क्यों नहीं हुआ? उसने बिना कोई शोर शराबा किए परफेक्शन के साथ उस स्थिति को संभाल लिया। ये वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि उन लोगों की परिस्थिति को संभालने की अक्षमता थी जिसने उन महिलाओं को परेशान किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैंने महसूस किया यह मेरे पिता का या बॉस का या वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो मुझे परेशान करता है, यह मेरी अक्षमता है जो मैं लोगों द्वारा बनाई की गई परिस्थितियों को संभाल नहीं सकता। यह ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि मेरी उस परेशानी परिस्थिति को हैंडल ना कर पाने की अक्षमता है जिससे मैं ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान हो जाता हूँ। प्रॉब्लम से ज़्यादा मेरी उस प्रॉब्लम की प्रतिक्रिया है जो मेरे जीवन में परेशानी पैदा करती है। इस घटना ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। हमें अपने जीवन में कठिन समय में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका जवाब देना चाहिए। उस महिला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि वेटर ने उस परिस्थिति को समझा और उसका समाधान निकाला। प्रतिक्रिया हम बिना सोचे समझे दे देते हैं, बल्कि जवाब हम सहज तरीके से सोच समझ कर देते हैं। जिंदगी को समझने का एक बहुत सुंदर तरीका है, जो लोग खुश हैं वो इसलिए खुश नहीं है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए खुश है कि उनके जीवन में सारी चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण ठीक है। इसलिए ज़िंदगी में गुस्सा, जलन, जल्दबाजी और चिंता करने की बजाय प्यार करें और सब्र रखें। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा।